आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। तो रुक करते हैं अब तक के ताजा खबरों की ओर। पीएम मोदी का अलीगढ़ को सौगात, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय समेत कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मॉडल का जायजा लिया, कॉरिडोर को लेकर दी गई जानकारियों को मुआयना किया। अलीगढ़ में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में फैली होगी, जबकि 395 कॉलेजेस के अंतर्गत आएंगे। तो वहीं डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान खुद पीएम मोदी ने 2018 में किया था। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में 19 कंपनियां निवेश करेगी, करीब 1300 करोड़ का निवेश होगा। तो वहीं यूपी को नायाब तोहफा देने अलीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर सभी का अभिनंदन किया। पीएम के साथ यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राजा महेंद्र प्रताप का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, अलीगढ़ में पीएम मोदी ने पढ़ाया भारत का स्वर्णिम इतिहास। जी हाँ, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश में हर उस युवा जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उन्हें राजा महेंद्र प्रताप के बारे में अवश्य जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप के जीवन से अदम्य शक्ति मिलती है। अपने सपने पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते थे। वे देश की आज़ादी का सपना देखते थे। उन्होंने भारत में रहकर भारतीयों को ही नहीं प्रेरित किया, बल्कि वे भारत की आज़ादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। वे अफगानिस्तान से लेकर जापान समेत कई देशों में गए। वे अपने जीवन पर खतरा उठाते हुए भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद करवाने के लिए जुटे रहे। दिल्ली सरकार का बड़ा दावा, राजधानी के सरकारी स्कूलों में 2 साल में 2 लाख से अधिक बच्चों ने लिया दाखिला। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता के स्तर में सुधार हुआ है। इसके नतीजा है कि सरकारी स्कूलों में 2 साल में 2 लाख से अधिक बच्चों ने दाखिला लिया है। सरकार का दावा है कि सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि अभिभावक निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों की माने तो शैक्षिक सत्र 2021-2022 के तहत नर्सरी से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए लगभग 2,36,522 आवेदन आए हैं, जिसमें से 1,58,484 दाखिले हो चुके हैं, जबकि अभी दाखिला प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह से सत्र 2021-2022 में नामांकन 17.67 लाख पहुंच गया है। तो वहीं बीते साल में कुल नामांकन 16,28,000 रहा, जबकि सत्र 2019-2020 में कुल नामांकन 15,02,000 रहा था। भाजपा का दिल्ली सरकार पर वार, किराएदार से किए वादे में पूरी तरह नाकाम, पूरा करने में केजरीवाल सरकार। जी हाँ, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर किराएदारों से किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि आर्थिक तंगी की वजह से किराया नहीं देने पर उसका भुगतान दिल्ली सरकार किराए में रहने वाले घर के मालिक को करेगी, लेकिन एक भी मकान मालिक ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसे आर्थिक मदद सरकार ने दी हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना की पहली लहर आई तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने 29 मार्च को दिल्ली के मकान मालिकों से ये वादा किया था कि कोरोना काल में जो जो वादे किए गए उन्होंने उसे पूरा नहीं किया, चाहे वो 2 महीने मुफ्त राशन देने की बात हो, ऑटो वालों को 5,000 रुपये देने की बात हो, या फिर कोरोना से हुई मौत पर परिवार वालों को 50,000 की सहायता राशि देनी हो, कोरोना के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और उन्हें 25 वर्षों तक 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की बात भी हवाएं साबित हुई। डॉक्टर, सफाई कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी को भी 1 करोड़ रुपये देने का वादा दिल्ली सरकार ने पूरा नहीं किया। केजरीवाल सरकार देगी 50,000 की वित्तीय सहायता और इस शर्त के साथ पानी के बिल में 10% की छूट।
जी हाँ, पानी के बारिश के पानी के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने 50,000 की वित्तीय सहायता देने सहित पानी के बिल में 10% छूट देने की घोषणा की है। जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैठक में कई निर्णय लिए ताकि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा सके। पानी के बिल पर 10% छूट के साथ साथ सरकार ने 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने मकानों के मालिकों को भी राहत दी है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने वाले अब बोर्ड के बजाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत आर्किटेक्ट से इसके लिए प्रमाण पत्र ले सकेंगे। सरकार ने इस सिस्टम को लगाने के लिए तारीख 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। हरियाणा में एक दिन में 5,00,000 लोगों को लगा टीका, शर्तों के साथ 84 दिन से पहले लगवा सकेंगे दूसरी खुराक। जी हाँ, हरियाणा में शुरू हुए 3 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत पहले दिन 5,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है। इसमें 3,51,892 को पहली और 1,61,036 को दूसरी खुराक दी गई। गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद में सबसे अधिक लोगों को खुराक दी गई। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा और कुल 1,500,000 लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 18 साल से ऊपर के 1,90,00,000 लोगों को इसी माह पहली खुराक देकर सुरक्षित किया जाए। इसके बाद दूसरी खुराक पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं इसी के तहत मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है। आंदोलन पर भड़के ओपी धनखड़, कहा बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर उग्राह किसानों को गुमराह कर सेक रहे हैं सियासी रोटी। जी हाँ, हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर सिंह उग्राह के लिए अब किसान हित ही नहीं राजनीति सर्वोपरि है। किसान आंदोलन अब कृषि एजेंडे से निकलकर राजनीतिक हो चुका है। किसान नेताओं की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पंजाब राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद कराए और पंजाब में हरियाणा की तर्ज पर MSP दिलाए। दिल्ली सीमा पर चल रहा आंदोलन किसान हितों से कहीं आगे निकल चुका है। राज्यवाल व उग्राह का किसानों से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा सरकार को बड़ी राहत, 3,206 पदों पर नियुक्ति को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए कौशल विकास मंत्रालय की ओर से जारी की जा रही 3,206 पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की हरियाणा सरकार की अर्जी मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये भर्ती याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी। तो वहीं हरियाणा सरकार के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 3,206 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन को मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने चुनौती दी थी। तो वहीं याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि वह अनुबंध आधार पर 2011 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्त हुए थे। हरियाणा की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को 3 वर्ष पूर्ण न होने के चलते वह हिस्सा नहीं बन सके थे। गुजरात के बाद हिमाचल में सीएम परिवर्तन से की सुगबुगाहट। दिल्ली में भाजपा आलाकमान ने सीएम जयराम को किया फिर से क्यों बुलाया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को दोबारा दिल्ली बुलाया गया है। 2 दिन पहले ही सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली से शिमला लौटे थे। यहाँ उन्होंने केंद्रीय हाईकमान से मुलाकात भी की थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली बुलाने को लेकर हिमाचल में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और उन्हें दिल्ली बुलाने के कार्यक्रम को गुजरात से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय नेताओं के कहने पर गुजरात में भाजपा के सीएम ने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में सीएम बदलने के एकदम बाद जयराम ठाकुर को शिमला पहुंचते ही फिर से बुलाने पर सबको चौंका दिया गया है। कांग्रेस नेताओं को सीएम को घेरने का मौका मिल गया है। वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जयराम को हटाया जा रहा है। हालांकि भाजपा इस बात से इनकार करती है। यहां तक कि पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भाजपा हिमाचल में 2022 के विधानसभा चुनाव जयराम के नेतृत्व में ही लड़ेगी। कोविड-19 को लेकर नीति आयोग ने कोरोना पर ढिलाई के खिलाफ चेताया। तीसरी लहर की आशंका से नहीं कर सकते हैं इनकार, अगले साल तक मास्क पहनना जरूरी। जी हां, देश में कोरोना
वायरस संक्रमण के घटते बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चेताया है कि कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल का अगले साल भी पालन करते रहना होगा। उन्होंने तीसरी लहर की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल तक मास्क लगाए रखना होगा। पॉल ने कहा कि अभी मास्क पहनना बंद नहीं होगा अगले कुछ समय, यहाँ तक कि अगले साल तक हमें मास्क पहनते रहना होगा। पॉल ने कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड के खिलाफ लड़ाई अनुशासन, वैक्सीन और प्रभावकारी दवाओं के जरिए ही जीती जा सकती है। पॉल ने कहा कि मेरा मानना है कि इसे हम इस महामारी के समय से पार पा लेंगे। डॉक्टर पॉल ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा कम करने के प्रति भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से व्यापक रूप से संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जोखिम भरा समय है, वक्त आने पर गाइडलाइंस लागू की जानी चाहिए। सही समय पर हस्तक्षेप से संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या में आपकी तिरंगा यात्रा, यूपी की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने मारी एंट्री। जी हाँ, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह विश्वविद्यालय बनाने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को सियासी हथियार बना रही है। आम आदमी पार्टी आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी का दावा है कि वह बीजेपी के नकली राष्ट्रवाद को बेनकाब करेगी। इसके साथ ही पार्टी यूपी के चुनावी समर में भी उतर रही है। अयोध्या में आपकी तिरंगा यात्रा से एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हनुमानगढ़ी पहुँचे और रामलला की आराधना की। इस दौरान सिसोदिया ने यूपी की राजनीति में अयोध्या के महत्व पर बताया कि कैसे उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में करिश्मे की उम्मीद कर रही है। पंजाब पुलिस ने किया नशा, तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़, हरप्रीत सिंह को लिया हिरासत में। जी हाँ, पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए अमृतसर के ग्राम चाविंडा कला निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को 40 किलो हीरोइन की तस्करी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हीरोइन की ये खेप भारत पाक सीमा से बरामद की गई थी। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने हैप्पी के कब्जे से 1 किलो हीरोइन भी बरामद की है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हरप्रीत सिंह को अमृतसर के गांव छहरटा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। बताते चले कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 21 अगस्त को अमृतसर के पंचग्राहिया सीमा चौकी क्षेत्र में 40 किलो हीरोइन के 39 पैकेट जब्त कर मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया था। कश्मीर में आतंकियों का नया खेल, डीजीपी ने कहा घाटी में नए हाइब्रिड आतंकियों के मॉड्यूल सक्रिय। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार कश्मीर में मौजूदा शांतिपूर्ण माहौल को बरकरार रखने के लिए आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी पुलिस। उन्होंने श्रीनगर में बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो नए मॉड्यूल सक्रिय है वो पुलिस के रडार पर है और उनके खिलाफ जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। डीजीपी दिलबाग सिंह के अनुसार श्रीनगर में करीब 1 दर्जन के करीब ऐसे मॉड्यूल थे जो पिस्तौल से हत्याओं को अंजाम देते थे। उनका सफाया किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब पुरानी टीम का सफाया होता है तो नई टीम उनकी जगह लेने की कोशिश करती है। डीजीपी ने कहा कि नई टीम की भी पहचान लगभग हो चुकी है और जल्द इनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी का भी मारा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय है। पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को रडार पर रखा गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान दोहरी चाल पर अमेरिका ने स्पष्ट किया स्टैंड, भारत के साथ संबंध करने होंगे और मजबूत। जी हाँ, पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहरी होती दोस्ती के भावी परिणामों के संदर्भ में अमेरिका ने फैसला किया है कि वह पाकिस्तान को लेकर अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा और भविष्य में कैसे रिश्ते पाकिस्तान के साथ रखने हैं ये तय करेगा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव एक रणनीतिक चाल है, इसलिए अमेरिका पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की भूमिका की समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला लेगा। ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी की सराहना करते हुए कहा कि
अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और खतरनाक गतिविधियों पर असर पड़ा है। तो वहीं रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य मार्क ग्री ने कहा कि ISI जिस तरह से तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को खुलेआम समर्थन दे रहा है, ऐसे में भारत के साथ मजबूत संबंधों पर विचार करना चाहिए। अमेरिका में PM नरेंद्र मोदी की मेज़बानी करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्वाड के चारों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष होंगे आमने सामने। जहां PM नरेंद्र मोदी भारत और अमेरिका समेत चार देशों के मजबूत गठजोड़ क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने इसी महीने अमेरिका यात्रा पर जाएंगे। सम्मेलन 24 सितंबर को होगा और पहली बार क्वाड के चारों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों आमने सामने बैठकर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इससे पहले क्वाड की बैठक वर्चुअल तरीके से हुई है। PM मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन और जापान के PM योशिहिदे सुगा भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा PM मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सेशन की हाई लेवल सेगमेंट की जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।